राज्य सरकार ने देर रात आदेश जारी कर डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव जी को राजस्थान पुलिस का नया मुखिया नियुक्त किया है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव जी, आइए उनसे बात करेंगे। सर, पहले तो आपको ईटीवी भारत परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, किस तरह से आपका कार्यकाल रहेगा और क्या काम आप करना चाहेंगे, और मेन आप क्या मानते हैं बड़ी चुनौती इस समय पुलिस विभाग के सामने क्या है? चुनौतियां सर्वविदित हैं, बार प्रभार संभालने, काम संभालने, उसके बाद प्राथमिकताएं तय कर लेंगे। कार्यक्रम जो चल रहे हैं निरंतर चलते रहेंगे। सर, अभी कपिल गर्ग सर का भी 6 महीने का कार्यकाल रहा, आपको भी 6 महीने मिलेंगे। सर, ये 6 महीने के दौरान आप किस तरह का काम जो है राजस्थान पुलिस के लिए करना चाहेंगे, और जो कपिल गर्ग सर ने कुछ नई चीजें करी सर, उनको कंटिन्यू रखते हुए या उनमें कुछ चेंजेस किस तरह से आप मतलब उसको देखते हैं? देखिए, 6 माह लीडरशिप के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए 6 माह नहीं होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन को एक अकेला व्यक्ति नहीं चलाता है, पूरा लीडरशिप की कलेक्टिव लीडरशिप है। इसमें राज्य सरकार की गाइडेंस भी शामिल है, तो उसमें छोटा या लंबे कार्यकाल का कोई विशेष महत्व मैं नहीं मानता हूँ। कार्यक्रम जो नवाचार उन्होंने आरंभ किए हैं, सबकी सहमति से ही आरंभ किए होंगे, तो जो कार्यक्रम है उन्हें क्यों नहीं आरंभ रखा जाएगा। सर, इसके अलावा सर, साइबर क्राइम एक बड़ी चुनौती है सर, उससे निपटने के लिए तमाम कोशिशें की जाती हैं, स्पेशल सेल भी बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आपको लगता है सर इस विषय पे कुछ और काम करने की आवश्यकता राजस्थान पुलिस को है? आर्थिक अपराधों में और साइबर क्राइम के बारे में विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है, और राज्य सरकार भी इस मामले में प्रयासरत है, तो शीघ्र ही इस बारे में आवश्यक कदम उठाए जाए। सर, एक मैं चाहता हूँ सर, जनता को कोई मैसेज आप देना चाहें? अभी तो इस समय तो क्या मैसेज देंगे, बस इतना ही है कि अपने जो हमारी क्षमता है उसके भीतर यथा योग्य यथा क्षमता पूरा प्रयास करेंगे कि जनता को, कम्युनिटी को साथ में लेकर, विभाग के सभी कर्मचारियों को साथ में लेकर जो बेस्ट पॉसिबल सर्विस डिलीवरी है वो सुनिश्चित की जाए, और एक राजस्थान में शांति का माहौल बना रहे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव, जिन्हें डीजीपी नियुक्त किया गया है, और अब ये यहाँ से पीएसके के लिए निकल रहे हैं, और आज कपिल गर्ग जैसा कि रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद कपिल गर्ग रिटायरमेंट से पहले जो चार्ज है वो इन्हें सौंपेंगे डीजीपी का। जयपुर से विनय पंत, ईटीवी भारत।